जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर किसने किया स्मोक बम से हमला, हमलावर का आखिर मकसद क्या था, विस्फोट के बाद घटनास्थल पर कैसे भगदड़ मच गई, जापान के प्रधानमंत्री पर हुए जानलेवा हमले से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? किशिदा टॉप नाइन। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा बाल बाल बच गए। वाकायामा में उनकी रैली में स्मोक बम से धमाका किया गया। धमाके की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। सुरक्षा बलों ने फौरन पीएम को सुरक्षित बाहर निकाला। हमले के बाद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सुरक्षाकर्मी तेज दिखाते हुए पीएम को घटनास्थल से दूर ले गए। किशिदा उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में भाषण देने वाले थे। रैली के दौरान मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने संदिग्ध हमलावर को तुरंत पकड़ लिया। हमलावर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने उसे जमीन पर गिराकर हिरासत में ले लिया। हालांकि हमलावर को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर हमले से ठीक पहले का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रैली में आए और अपनी पार्टी के नेताओं से हाथ मिलाते नजर आए, लेकिन तभी अचानक विस्फोट की आवाज होती है और फिर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ब्लास्ट के दौरान चुनावी सभा में काफी लोग मौजूद थे। चश्मदीदों का कहना है कि एक शख्स को कुछ फेंकते देखा गया, जिसके बाद धुआं निकल रहा था। जोरदार धमाके की आवाज भी गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है पीएम किशिदा के पास एक पाइप जैसी कोई चीज फेंकी गई। धमाके के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लोग इधर उधर भागते नजर आए। काफी संख्या में महिलाएं भी पीएम की सभा में पहुंची थी। इस दौरान भगदड़ जैसे हालात हो गए। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। पीएम पर हमले के बाद जापानी मीडिया की कई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि पीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि पिछले साल इस तरह की घटना में पूर्व पीएम की जान जा चुकी है, फिर सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। फुमियो किशिदा साल 2021 में जापान के प्रधानमंत्री बने थे। इसके साथ ही वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2012 से 2017 तक विदेश मंत्री के रूप में काम किया है। 2017 में जापान के रक्षा मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। इससे पहले 8 जुलाई 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की रैली में स्पीच के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आबे नारा शहर में इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्पीच दे रहे थे। 42 साल के हमलावर ने पीछे से फायरिंग की थी। दो गोले लगने के फौरन बाद शिंजो आबे गिर पड़े थे।